रेड क्रॉस सोसाइटी ने कलेक्ट्रेट सभागार में 50 क्षय रोगियों को बांटे न्यूट्रिशियन किट। पुलिस अधीक्षक व मुख्य विकास अधिकारी रहे मौजूद। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद चित्रकूट के निर्देशन में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा गोद लिए गए नए क्षय रोगियों में से आज 50 क्षय रोगियों को कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्य विकास अधिकारी अमृतपाल कौर एवं पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला द्वारा संयुक्त रूप से क्षय रोगियों को निक्षय पोषण किट वितरण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सभी क्षय रोगियों को पोषण किट देते हुए मुख्य विकास अधिकारी अमृतपाल कौर ने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा पूर्व में भी कई महत्वपूर्ण सराहनीय जन उपयोगी कार्य किए गए हैं। आज का ये कार्यक्रम निश्चित रूप से इन सभी रोगियों के लिए अत्यंत लाभप्रद होगा। पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने संस्था की सराहना करते हुए इनके द्वारा लगातार इस तरह के सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं जिससे सीधे तौर पर पीड़ितों को लाभ मिल रहा है। ऐसे पुनीत कार्यों में हम सभी को अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए जिससे जल्द से जल्द जनपद को टीबी रोग से मुक्त किया जा सके। उन्होंने गोद लेने वाले सभी सदस्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे सामाजिक कार्यों में शामिल होकर मुझे बहुत ही खुशी की अनुभूति होती है। उन्होंने कहा जो वर्तमान समय में आप लोगों द्वारा जो आहार लिया जाता है उसमें न्यूट्रिशन की कमी होती है जिसकी पूर्ति इस पोषण किट में दी जा रही सामग्री से अवश्य पूर्ण होगी। इसके पूर्व सोसाइटी सचिव केशव शिवहरे ने बताया कि गोद लिए गए जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से चयनित सभी नए क्षय रोगियों को निरोग होने तक लगातार पोषण किट वितरित की जाएगी जिसमें प्रत्येक रोगी को मूंग दाल, मूंगफली दाना, भुना चना, गुड़ एवं सोया बड़ी आदि दी जा रही है। उन्होंने बताया कि पूर्व वर्ष में सोसाइटी द्वारा एक सैकड़ा क्षय रोगियों को गोद लिया गया था जो स्वस्थ होकर सामान्य जीवन जी रहे हैं। वर्तमान सत्र में 50 नए क्षय रोगी गोद लिए गए हैं जिनको स्वस्थ होने तक पोषण आहार किट वितरित की जाएगी। उन्होंने गोद लेने वाले रेड क्रॉस सदस्यों डॉक्टर सुधीर अग्रवाल, डॉक्टर सीताराम गुप्ता, अजय अग्रवाल, देवेश जैन, डॉक्टर सी एन सिंह, डॉक्टर शशांक अग्रवाल, विवेक अग्रवाल, संजय अग्रवाल एडवोकेट से अपेक्षा की है कि समय समय पर रोगियों का हाल चाल लेकर उन्हें मोरल सपोर्ट देते रहें ताकि क्षय रोगी अपने को समाज से अलग ना समझें। उन्होंने कहा कि इस तरह के जन उपयोगी कार्यक्रम निरंतर आगे भी आयोजित किए जाते रहेंगे। सभी का आभार व्यक्त करते हुए सीएमओ डॉक्टर भूपेश द्विवेदी ने रोगियों का हालचाल लेते हुए कहा कि क्षय रोग विभाग द्वारा दी जा रही दवाओं को नियमित प्रयोग करें ताकि आप सभी लोग इस रोग से शीघ्र ही मुक्त हो सकें। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जनपद में लगभग 1200 टीबी रोगी चिन्हित किए गए हैं जिनकी बराबर मॉनिटरिंग की जा रही है। कहा कि किट में दिए गए पौष्टिक आहार एवं दवाइयों के नियमित सेवन से इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा और शीघ्र ही हम 2024 तक टीबी मुक्त होंगे। हम लोग जिले लेवल के जितने भी अधिकारी प्लस और भी जो लोग हैं सब लोग मिल मिल के थोड़े थोड़े पेशेंटों को बांट करके, क्योंकि माननीय राज्यपाल महोदया का ये परिकल्पना है कि टीबी जनरली उन्हीं पेशेंट को होता है जो पेशेंट हमारे कमजोर होते हैं, किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं या जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर, रेजिस्टेंस पावर कम हो। ऐसे लोगों को हम लोग ऐसी चीज़ें देते हैं जो प्रोटीन या और भी चीज़ें पौष्टिक चीज़ें होती हैं, चना हो गया, गुड़ हो गया, सत्तू हो गया, ये सब चीज़ें दे के हम लोग उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनको सकड़े की मदद भी हो जाती है, थोड़ा उत्साहित भी होते हैं कि हमें ये चीज़ खानी चाहिए। और बॉडी की जब भी रेजिस्टेंस पावर बढ़ेगी तो बीमारी जल्दी ठीक होने की संभावना रहती है। और टीबी होती भी उन्हीं लोगों को है जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर लो होती है, बॉडी कमज़ोर होती है। तो हम लोग भारत सरकार का जो विजन है कि हमें 2025 तक टीबी मुक्त भारत करना है, उसी प्रोग्राम के तहत राज्यपाल महोदय के इनिशिएटिव की वजह से हर जिले में कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उस तरह चित्रकूट जिले में भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हम लोग पेशेंट गोद लेते हैं, 6 महीने तक उसको मंथली किट्स देते हैं, बना करके न्यूट्रिशनल किट्स देते हैं। और पेशेंट जब टीबी से मुक्त हो जाता है तो बहुत नए पेशेंट जो भी मिलते हैं उनको लेकर के इस तरीके से कोशिश की जा रही है कि भारत सरकार का उद्देश्य 2025 तक टीबी मुक्त करने का है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारा जिला छोटा है और कंप्लीटली पेशेंट भी और जिले से कम है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं हम लोग उससे पहले 24 तक ही अपने जिले को टीबी मुक्त कर लें जिससे कि हमारे जिले में टीबी जैसी बीमारी से किसी का नुकसान न हो, किसी की मृत्यु न हो या किसी घर में कोई समस्या। कितने पेशेंट हैं जिले में जिनको किट दी जा रही है, क्या समय समय से ऐसे कोई टाइम प्रायोजित किए जा रहे हैं? ये आज का जो कार्यक्रम है रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा कराया जा रहा है। रेड क्रॉस सोसाइटी ने करीब 100 पेशेंटों को किट गोद ले रखा है जिन्हें पहले भी किट दी जा चुकी माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार, और वो 100 पेशेंट आउट
जो मुक्त हो चुके हैं, इसलिए अब नए पेशेंटों को लेकर के उनको किट दी जा रही है और कार्यक्रम हर मंत्री इसका जरूरत चलता रहेगा कलेक्ट्रेट में भी और बाकी जो अधिकारियों ने ले रखा उनके अफसरों में, जैसे हम लोग अपने ऑफिस में करते हैं और विभाग अपने ऑफिस में करते हैं, जो उन्होंने बोल दिया रखा है। सर जिले में कितने पेशेंट हैं? 6 जिले में करीब लगभग 1200 पेशेंट हमारे यहाँ। पिछले सत्र में 100 पेशेंट गोद लिए गए थे जो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान सत्र में 50 रोगी गोद लिए गए हैं जिनको रेड क्रॉस के सदस्यों द्वारा ये सारा जो पोषण आहार है दिया जा रहा है। इस किट में मूंग की दाल है, मूंगफली दाना है, गुड़ है, बना हुआ चना है, सोया बड़ी है, इस तरह के पौष्टिक आहार इनको निरंतर 6 माह तक दिया जाएगा ताकि इस किट से सीख स्वस्थ हो सके। आज कितने लोग? आज 50 लोगों को ये दिया गया है मौके पर। स्थानीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में कार्यक्रम चलाया जा रहा है और हम लोगों की ऐसा है, सोच है कि जल्द से जल्द अपने पूरे जिले को टीबी रोग से मुक्त कर सकें सभी अधिकारियों के सहयोग से, आम जनमानस के सहयोग से। श्री राधा माधव टीवीएस शोरूम्स आपके लिए लाया है बेहतरीन ऑफर। टीवीएस के चुनिंदा 6 नए वाहन अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस और 0% ब्याज के साथ भी। आज ही अपनी बुकिंग कराएं और टीवीएस शोरूम से अपना वाहन घर ले जाएं। हमारे चुनिंदा 6 नए वाहन रोनिन, अपाची 310, जुपिटर, एंट्रॉक, अपाची स्पोर्ट्स बाइक। साथ ही पाएं बेहतरीन एक्सचेंज ऑफर। किसी भी कंपनी का पुराना टू व्हीलर दें और बदले में नई चमचमाती टू व्हीलर घर ले जाएं। श्री राधा माधव टीवीएस मथुरा का सबसे अत्याधुनिक सर्विस सेंटर, जहां बेहतरीन मशीनों के साथ संतुष्ट तरीके से वाहन की रिपेयरिंग की जाती है। अधिक जानकारी के लिए हमारे टीवीएस शोरूम पर विजिट करें और टीवीएस के बेहतरीन ऑफर्स का लाभ उठाएं।